હેલો, કેમ છો? જય માતાજી. વેલકમ ટુ અમૂલ લાઈવ શો. મેં ગીતા ખુમાર, અહેમદાબાદ સે હું, ગુજરાત સે હું. ઓર આજ બહુત હી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી, એસી ટિફિન બોક્સ કે લિયે સ્પેશિયલ આપ માનો તો હોગી, યા ફિર બચ્ચો કો આપ લંચ બોક્સ મેં દે સકતે હો. અમૂલ સે બહુત હી અચ્છી અચ્છી રેસિપી બનતી હૈ વો હમે પતા હૈ, તો આજ ઓર એક રેસિપી બનાયેંગે ઓર ઇન્ગ્રીડિયન્ટ દેખ લેંગે. आज की मेरी रेसिपी है पनीर तवा रोल, राइट? तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा यम्मी पनीर, मलाई पनीर, जो बहुत ही सॉफ्ट और इजीली बन जाता है, उससे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले हम ये पनीर को पीसेस करके मैरिनेट करेंगे और फिर बाद में आप आगे आगे प्रोसेस देखते रहिए. अगर बीच बीच में आपको कुछ क्वेरी हो और पनीर के अलावा और कुछ भी वेरिएशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. मैं उनकी जो भी मेरे पास मेरे नॉलेज के हिसाब से जो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है तो मैं आपको बताती रहूँगी. ठीक है, तो शुरू करें. ओके, सबसे पहले मैं ले रही हूँ अमूल मस्ती दही, हाफ कप. वन टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा मिक्स कर लेंगे. अभी आधा नींबू का रस जाएगा, लेमन ज्यूस. थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी. अभी जो पनीर लिया था उसके क्यूब कर लिए हैं, वो उसमें जाएंगे और 15-20 मिनट तक हम उसे मैरिनेट होने देंगे, फिर बाद में यूज करेंगे. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. क्यूब आप पनीर के क्यूब आप छोटे बड़े कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो. अगर हमें टिफिन पैक करके 2-3 घंटे बाद खाना है तो इससे ज़्यादा बड़े पीसेस आप रखेंगे तो भी सही रहेगा. फिर बाद में हम ये मैरिनेशन हो गया, फिर बाद में हम
पैन पे रख के उसे सौते करेंगे, फिर बाद में भी आप कट करोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने सबसे पहले कर्ड लिया। अमूल का बहुत ही मस्त चम्मच से हम खा सकते हैं, राइट। वो अमूल का मैंने कर्ड लिया, दही लिया मस्ती वाला, बहुत ही मस्त तरीके से आप खाओ ना दही है वो। तो उतना हाफ कप ये जो मैंने दिखाया है उतना ही लिया है, थोड़ा सा ऐसे मैंने विस्क कर लिया है। उसके बाद मैंने डाला अमूल पनीर, सॉल्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और अगर ज्यादा आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप ग्रीन चिलीज डाल सकते हो या फिर किचन किंग मसाला डाल सकते हो। तो पनीर का वो जो हम सब्जी बनाते हैं कि पनीर और सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी खाते हैं, वो टेस्ट चाहिए तो ज्यादा थोड़ा सा ब्लैक पेपर और किचन किंग मसाला आप डाल दो, ठीक है। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने डाला लेमन जूस। अभी इसे 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है, आप चाहो तो आधा घंटा भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं तो ये अभी 10 मिनट के लिए रहेगा तो चलेगा। अभी पैन रख के हाफ टी स्पून बटर, बटर गरम होने के बाद मैं डालूंगी ऑनियन, एक छोटी साइज की मैंने ये बड़ी पतली पतली लंबी वाली कट करी है, जो बटर गरम हो जाएगा उसके बाद में हम हाई फ्लेम पे ही उसे थोड़ा बहुत सौते कर देंगे। थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम डालेंगे कैप्सिकम और फिर बाद में टमाटर। अभी हम डालेंगे कैप्सिकम, फिर एक चिली मैंने छोटी मोटी कट कर ली है, और जिंजर, ग्रीन चिली और जिंजर आप डाल सकते हैं, या फिर जिंजर भी, ग्रीन चिली पेस्ट जो रेडी मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं। अभी हमने फ्रेश लिया है तो फ्लेवर ज्यादा अच्छी बैठेगी पनीर तवा रोल में। अभी से थोड़ा सा स्लो कर देंगे,
टमाटर जाएगा। वेजेस को आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कट कर सकते हो, इससे बड़ा वाला चाहिए तो भी आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने तीनों इक्वल क्वांटिटी लिया है, उसमें भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी जो पनीर मैरिनेशन के लिए रखा था वो उसमें हमने सॉल्ट और मसाले डाले हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा पिंच नमक डालना है, ज्यादा कुछ मसाला इसमें नहीं जाएगा। अभी 2 मिनट सौते होने के बाद हम जो मैरिनेशन करके पनीर रखा है वो डाल देंगे। देखिए अभी जो पहले थोड़ी लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी दिख रही थी वो अभी नहीं होगी, 10 मिनट के बाद जो मसाले हैं वो पनीर से चिपक जाएंगे और अच्छे से फ्लेवर देंगे। ठीक है, तो फिर अब जाएगा इसमें मैरिनेटेड पनीर। थोड़ी देर पकने देंगे, जो पानी निकला हुआ है दही में से वो थोड़ा सा कम हो जाए और ठीक सब्जी जैसी कंसिस्टेंसी मिले हमें। हेलो पुनीता, कैसे हो आप? तब तक हमें जो पनीर हमारा सौते हो गया, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद हम जो रोटी बेलेंगे उसकी मेथड में आपको बताऊं। तो मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा है, लेकिन 1 कप मैदा लिया है, उसमें सॉल्ट आपके अपने हिसाब से सॉल्ट टू टेस्ट, फिर डाला है मैंने 1 चम्मच 1 TS घी और नमक और ऑयल और पिंच ऑफ शुगर, उतना डाल के मैंने पानी से हम जो रेगुलर आटा गूंथते हैं वो आटा गूंथ के आधा घंटा हमें रेस्ट देना है। अभी मैंने जो प्रिपरेशन की उससे पहले मैंने गूंथ के रख दिया था, फिर ऑयल लगा के अभी रखा हुआ है, ये हो जाने के बाद हम इसे बेल के रोटी बनाएंगे। Thank you.
अभी ये जो पनीर रोल का स्टफिंग है वो रेडी है, इसे हम साइड पर रख देंगे और गैस बंद कर देंगे, इसे बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमारा ये आटा रेडी है, कोई नाखी नहीं होती। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब अभी मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। आटे की बात करें तो आप देख सकते हो, मैं और नजदीक से आपको दिखा दूंगी कि जो मेजर आपने लिया, मैंने जो बोला वो मेजर से आपने रोटी का आटा गूंद के रखा तो ऐसी वाली इम्प्रेशन दिखनी चाहिए। देखिए ये जो बबल हो जाएगी इसमें जो हमने रेस्ट दिया है वो बेनिफिट ये मिलेगा। अगर तुरंत हम आटा गूंद के कर देंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉफ्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप छोटी बड़ी कितनी भी करो ये रोटी टूटेगी नहीं जब भी आप बेल रहे हो। ठीक है, तो वो खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम टिफिन बॉक्स में लेके जा रहे हैं तो रोटी सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहनी चाहिए। फिलिंग कितना भी टेस्टी हो लेकिन रोटी सॉफ्ट नहीं होगी तो खाने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो अभी ये मीडियम थिकनेस आपको रखनी है और ये रोटी मैंने बेल ली है, अभी रोटी तवे पे जाएगी।
टिश्यू पेपर थी मुझे ओके तब तक मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया अमूल कर्ड, उसमें डाला लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। फिर बाद में डाला पनीर के क्यूब कर लिए हमने, जो साइज हमें पसंद है वो। फिर मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट दे दिया। फिर हमने सौते वेजिटेबल्स को सौते कर लिए, उसमें भी हमने बटर लिया और 1 टीस्पून बटर लिया और इक्वल क्वांटिटी में मैंने कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटर लिया, राइट। उसमें आप वेरिएशन में और कॉर्न भी ले सकते हो, बेबी कॉर्न भी ले सकते हो। तीनों कलर के कलरफुल वेजेस चाहिए हमें, तो आप रेड येलो भी कैप्सिकम ले सकते हो और मटर भी डाल सकते हैं। जो वेजेस ज्यादा पसंद करते हैं खाने में, तो आप अपने हिसाब से, हमें सिर्फ यही प्रिपरेशन के हिसाब से हमें मेथड देखनी है कि और वेरिएशन चाहो तो आप डालो। तो अगर मैंने कॉर्न लिया होगा तो भी बहुत ही टेस्टी बनता। और आप बताइए कि आप और कुछ क्या डाल सकते हो ये वाले स्टफिंग में, मुझे यहाँ पे कमेंट करके बोलिए। सोया चंक्स ले सकते हैं, सोया चंक्स और पनीर का ये स्टफिंग भी बहुत बढ़िया टेस्ट देता है और ज़्यादा हेल्दी बना लेता है, बना देता है ज़्यादा हेल्दी हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें। बेबी कॉर्न और ब्रोकली भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, सही बात है। थोड़ा सा बटर डालूंगी,
चम्मच। अब हमारी रोटी परफेक्ट बन गई है। इसमें भी आप वेरिएशन रोटी में भी आप दे सकते हो, बताएगा कोई? अभी मैंने मैदा लिया है, मैदे के अलावा आप कॉर्न आटा ले सकते हो, कॉर्नफ्लोर और मकाई का आटा डाल के दोनों मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी या फिर 1/3 क्वांटिटी लेनी है आपको, और मल्टीग्रेन भी आप ले सकते हो। ठीक, अभी ये जो मैरिनेशन बना के हमने जो पनीर का स्टफिंग रेडी किया वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ऐसी डिश प्रिपेयर होगी कि ज्यादा पानी वाला नहीं लगेगा। जो दही और जो मसाले हमने डाले थे वो थोड़ी देर सोख हुए तो फिर उसमें भी पानी कम हो गया, फिर बाद में जो हमने पैन पे बटर डाल के थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स को सौते किया, फिर बाद में पनीर डाला, उसमें भी जो भी पानी था वो पानी मॉइस्चर जो उसका था वो चला गया और अच्छे से वेजिटेबल्स पक गए और साथ में सब मसाले उसमें बैठ गए। तो अभी ये जो रोटी मैंने बनाई उसमें ये स्टफिंग लेंगे। इसके ऊपर केचप, हाँ रागी, पुनीता जी लिख रही है रागी, बाजरी, बाजरी में शायद आपको कुछ और मिक्स करना होगा कि आपकी रोटी क्रैक ना हो, राइट? थोड़ा सा रेड चिली सॉस, इसमें आप कोई भी नमकीन जो खट्टा मीठा टेस्ट दे रहा हो, तो अभी मैंने भुजिया से ली है 1 टीस्पून, ओके, अभी इसे हम पैक कर देंगे।
ऐसा लंच बॉक्स में पैक करके, ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगी। जब भी आप बनाएंगे तब आप मुझे एक मैसेज करना, और मुझसे आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी मैसेज करना। मैं बहुत ही अच्छी और बढ़िया डिश बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसने मेरी डिश चखी हुई है, टेस्ट की हुई है, और अभी उसमें पुनीता देसाई भी है, तो आप उनसे भी आप बात कर सकते हैं अभी कि हाँ मैं बहुत अच्छी डिशेस बनाती हूँ, राइट। तो प्लीज मुझे कमेंट करना नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या लेके आऊँ, वो भी आप बताना। अभी इसे हम प्लेट में रख देंगे। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना हो ये रेसिपी के बारे में, या फिर कोई और रेसिपी आप मुझसे जानना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करना, नेक्स्ट मैं आपके लिए वही रेसिपी लेके आऊंगी। थैंक यू पुनीता जी। ठीक है, बाय, जय माता जी।